बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत के समर्थन में हिमाचल भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। शिवसेना के खिलाफ आयोजित इस रैली की अध्यक्षता प्रदेश महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष रितु सेठी ने की। वहीं इस मौके पर जिला परिषद की पूर्व अध्यक्ष कुमारी शीला और महिला मोर्चा सोलन मंडल की रिया शर्मा भी विशेष रूप से उपस्थित रही। शिवसेना के प्रति सोलन की महिलाओं में बेहद आक्रोश देखा गया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि हिंदुस्तान में महिलाओं को देवी का दर्जा प्राप्त है, लेकिन शिवसेना के नेता भारत की महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं, जो हिमाचल की महिलाएं कतई सहन नहीं करेंगी। वे चाहती हैं कि अभद्र टिप्पणी करने वाले नेताओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। प्रदेश महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष रितु सेठी ने इस मौके पर जहां एक ओर शिवसेना को घेरा, वहीं कांग्रेस पर भी कई तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि शिवसेना राष्ट्रवादी पार्टी महिलाओं के सम्मान की बात करती थी, तो आज उनकी ये विचारधारा कहां गायब हो गई है। उन्होंने कहा कि शिवसेना ने हिमाचल की एक बेटी का नहीं बल्कि भारत की सभी बेटियों का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि नेता संजय रावत पर नारी के सम्मान को ठेस पहुंचाने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे की सरकार ने कंगना रनौत का केवल घर तोड़ा है, लेकिन वे उसका हौसला नहीं तोड़ पाए। लेकिन अब कंगना अकेली नहीं है, भारत की सभी महिलाएं उनके साथ हैं। उन्होंने कांग्रेस से भी सवाल किया कि इस घटना पर वे भी अपना रुख साफ करें कि वे कंगना के साथ खड़ी है या नहीं। जिस तरह से कंगना रनौत के सच पर आघात किया है, प्रहार किया है महाराष्ट्र की सरकार ने, शिवसेना सरकार ने, उसको लेकर, क्योंकि एक कंगना का, एक महिला का अपमान उन्होंने नहीं किया, उन्होंने पूरी देश की महिलाओं का अपमान किया है। शिवसेना जो अपने आप को आज तक राष्ट्रवादी और महिलाओं के मान सम्मान की बात करती रही, आज उनका वो बातें कहाँ गई। बाला साहब ने जो उनको विचारधारा दी थी, आज वो कहाँ गई। उनका इस तरह से संजय रावत का, जो एक बहुत बड़े शिवसेना के नेता हैं, संगठन में हैं, सरकार में हैं, और उद्धव सरकार की महाराष्ट्र में सरकार है, उन्होंने जिस तरह से उनके एक नेता ने जिस तरह से एक महिला को अपशब्द, क्योंकि वो शब्द मैं यहाँ पर आप नहीं बोल सकती, मुझे भी वो शब्द बोलते हुए मतलब ये होता है कि कैसे उन शब्दों को मैं निकालूं, पर उन्होंने जिन शब्दों का, अभद्र भाषा का प्रयोग किया एक महिला के लिए, तो उन्होंने भी तो अपनी एक माँ के कोख से, एक महिला के कोख से जन्म लिया है। तो कांग्रेस अपना पक्ष आज रखे, स्पष्ट करे कि क्या वो उनके साथ है, क्या वो महिलाओं के साथ है, जो देश की जनता के साथ, क्या आगे उन्होंने चुनाव नहीं लड़ना, क्या महिलाओं को से उनको वोट नहीं चाहिए, तो या तो ये बोल दें क्या उन्होंने अपनी माँ का, एक महिला के कोख से जन्म नहीं लिया, जो जिस तरह की वो भाषा का प्रयोग करके एक महिला का अपमान कर रहे हैं, एक महिला का नहीं, पूरे देश की महिलाओं का अपमान किया है। अरे आज तो उसका एक घर तोड़ा है, हौसले तो नहीं तोड़ सकते ये लोग, सच का सामना हम लोग डट कर करेंगे। हमारी हिमाचल की बहन, जिस तरह से उनका अपमान हुआ है, आज पूरा हिमाचल उनके साथ खड़ा है। जहाँ तक उनके ऑफिस की तोड़ने की बात है, मैं कांग्रेस से ये कहना चाहूँगी, आज वो अपना रुख साफ करें, अन्यथा ये जो प्रियंका वाड्रा का मकान ये भी तोड़ेंगे। अगर वो अपना रुख इस पे साफ नहीं करेंगे, तो हम भी, और आने वाले टाइम में कोई महाराष्ट्र में उद्धव की सरकार नहीं रहेगी, इनके बंगले भी टूटेंगे, इनके दफ्तर भी टूटेंगे। जिस प्रकार का राजनीतिक द्वेष इन्होंने महाराष्ट्र में खड़ा किया है, और जिस प्रकार की अभद्र भाषा संजय रावत जी ने हरामखोर करके कही है, हम सभी बहनें, हिमाचल की बहनें और पूरे देश की बहनें, इसके लिए पुरजोर पूरे देश में एक जन आंदोलन खड़े करेंगी। जैसे झांसी की रानी ने गोरों को भगाया, इसी तरह हम इन शिव सैनिकों को यहाँ से, इस सरकार से भगाएंगे। ये मेरा आपको कहना है।